नमस्कार, मेरा नाम राजीव सोढ़ी है। मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ। 37 साल मैंने काम किया है, 16 साल टीसीएस में और 20 साल एचसीएल में। मैं रिटायर होकर अपनी पूरी कंसल्टेंसी सर्विस चला रहा हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि जो चुनौती आती है कि उसको कैसे हल किया जाए और उसको कैसे आसान बनाया जाए और उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट किया जाए। मेरे उसूल हैं कि अगर आप काम आपसे नहीं होता तो आप उसके 100 एक्सक्यूजेज दे सकते हो कि इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। तो उस पे उसकी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं रहती जो मेरे लिए काम करता है, कि आप कैसे कर सकते हो, इस तरफ फोकस करो कि उसको क्या करना है। अगर नहीं हुआ तो बार बार ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो। मेरे माता पिता रामलुभाया सोढ़ी और माता जी निर्मल सोढ़ी अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे मेरी जो माता जी हैं उनकी फैमिली लाहौर से आई थी पार्टीशन में, और मेरे पिताजी अमृतसर से आए थे तो दिल्ली में बस गए। मैं पैदा भी दिल्ली में ही हुआ था। फिर हम करोल बाग में रहते थे, वहाँ से हमने घर खरीदा कैलाश कॉलोनी में और वहाँ पे शिफ्ट हो गए, और स्कूल भी यहीं पे गया था। फिर मैं कॉलेज बिट्स पिलानी में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद मैंने टाटाज को ज्वाइन कर लिया कैंपस इंटरव्यू के थ्रू। मेरे माता पिता दोनों प्रोफेशनल थे। जो माता जी थी वो स्कूल में टीचर थी, और जो पिताजी थे वो गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्ट्री में थे। तो हमारा साधारण सा फैमिली थी पार्टीशन के बाद, बट खुश थे सब। बहुत बड़ी फैमिली थी, तो जो संस्कार हैं वही हैं कि आप हार्ड वर्क करो। मेरे पिताजी का बहुत जल्दी देहांत हो गया था 1971 में, जब वो 42 साल के थे। तो माता जी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। हम 4 भाई हैं और 1 बहन है। तो हमारा जो घर था कैलाश कॉलोनी में उसका एक हिस्सा रेंट पे दे दिया था, किराए पे दे दिया था, और उनसे और मेरी माताजी के सैलरी से सारा घर चलता था। तो सारे भाई बहनों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो मेरे 3 भाई आईआईटी से हैं, मैं बिट्स पिलानी से हूँ, और मेरी जो सिस्टर हैं वो बीएचयू आईटी से हैं। 2 भाई अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, वहीं पर सेटल्ड हैं। मैंने टाटा ज्वाइन कर लिया, उस वक्त वो बहुत अच्छी नौकरी थी। मेरी जो बहन है वो भी कैनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं। तो सब ने अच्छा किया है फैमिली से, सब अपने सेटल्ड हैं। तो माता जी ने काफ़ी हार्ड वर्क किया हम सबको परवरिश और बढ़ाने में। हमारे इंडिया में कोई लीज लाइन या इंटरनेट नहीं था, तो मेरे को बाहर जाके ही काम करना पड़ता था। ऑलमोस्ट 87 तक कंटिन्यूसली बाहर ही रहता था। एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता था वो दूसरे प्रोजेक्ट में भेज देते थे। तो फिर मैंने टाटाज को बोला कि मेरे को शादी करनी है, तो मेरे को 6 महीने के लिए कोई इंडिया में काम दे दो जो मैं करूँगा। तो इस मेरी फिर 86 में मेरी शादी हुई। तो मैं वापस आया था स्विट्ज़रलैंड से, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने में वापस जाना है। तो मदर इन लॉ और मेरी जो माता जी हैं वो एक दूसरे को जानती थी, वो भी टीचर थी, ये भी अलग अलग स्कूल में। तो फिर मैंने देखा नहीं था अपनी वाइफ को, बट उन्होंने उनका मैंने अखबार में इश्तिहार दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया। फिर मेरी मदर को लगा कि ये जानने वाले हैं, तो हम पास में ही रहते हैं। इस तरह से शादी हुई 87 में, और फिर 86 में, और फिर 87 में फिर हम दोनों इंग्लैंड चले गए। तो मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरी जो डॉटर है वो इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, 87 में पैदा हुई थी ब्रिस्टल में। मेरा जो
सन है वो 91 में पैदा हुआ था। अब मेरा जो डॉटर है वो एम्स में एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी कर रही है, फाइनल ईयर में है। तो वो डॉक्टर सर्जन है, उसने बॉम्बे से एमबीबीएस की, फिर चेन्नई से उसने मास्टर्स की, और अब एम्स में उसका फाइनल एग्ज़ाम है। और मेरा जो सन है वो इंजीनियरिंग की, उसने यूएसए पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और फिर वो ह्यूलिट पैकर्ड में हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर था ह्यूस्टन में, और अब वो लॉस एंजलिस में है। वो सोर्स फोटोनिक्स में है, कंपनी है जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन बहुत हाई स्पीड सर्किट्स बनाती है, 400 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करता है, हार्डवेयर डिज़ाइन करता है। मेरे प्रेरणा स्रोत बहुत ज़्यादा हैं। तो शुरू में तो जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे कोच थे, माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, टाटाज में मिस्टर कोहली हैं, एफसी कोहली हैं, रामदुराई हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, काफ़ी हैं, एचसीएल में मिस्टर नाडर हैं। बाकी अभी मेरी फैमिली में बहुत सपोर्टिव हैं लोग, मेरे अंकल हैं कनाडा में हैं, मेरी एक मामी जी हैं वो अभी हाउस खास में रहती हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो हम काफ़ी क्लोज फैमिली हैं। मैं यही सोचता हूँ कि जो चुनौती आती है कि उसको कैसे हल किया जाए और उसको कैसे आसान बनाया जाए और उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट किया जाए। तो मैं ज़्यादा रोने धोने में बिलीव नहीं करता तो हमारा, और ना ही मैं ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ। तो आई बिलीव कि अपने कर्म करने चाहिए, जो भी परिस्थिति आए उसको सॉल्व करना चाहिए और ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। मेरे काफ़ी पिलानी के भी दोस्त हैं, वो कभी बहुत अच्छे भी कर रहे हैं, कभी मेरे से अच्छे भी नहीं कर रहे हैं। तो हम ठीक हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में अपने हिसाब से काम करते हैं, और जब तक वो अपनी चेष्टा करते रहते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं कि आप अपना जीवन सुखी रखिए। और आपने, मैं हमेशा सिर्फ अपने पे ही नहीं ध्यान करता, अपने फैमिली पे भी करता हूँ, और अपने मैं जो भाई पोस्ट में था TCS में भी और HCL में भी, तो जो मेरे साथ काम करने वाले हैं उनको भी हेल्प करना, जो नए लोग हैं उनको भी एडवाइस देना। अभी जब मैं रिटायर होकर अपनी कंसल्टिंग कर रहा हूँ तो मैं नासकॉम में भी एज अ एडवाइज़र हूँ स्टार्टअप्स का, 2-3 कंपनीज़ को एडवाइस कर रहा हूँ। मैंने एक खुद अपनी स्टार्टअप कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। बाकी मैं कुछ रोटरी का काम कर रहा हूँ। मैं 2016-17 में न्यू दिल्ली क्लब का प्रेसिडेंट था, मेरे को डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट प्रेसिडेंट और बेस्ट क्लब अवार्ड मिला। तो काफ़ी काम किया मैंने, MCD स्कूल्स के लिए काम किया, स्वच्छ भारत के लिए काम किया, मैंने काफ़ी एजुकेशन के लिए काम किया, मैंने एनवायरनमेंटल के लिए काम किया, ट्री प्लांटेशन एंड सो काफ़ी तरह के काम किए हैं। अभी हमने वर्ल्ड वाटर डे ऑर्गेनाइज किया था, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, ये PhD हाउस में हुआ था। तो सक्सेस के मूल मंत्र ये हैं, एक तो परिश्रम हार्ड वर्क है, दूसरा है कि आपको सोचना है कि उसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से किया जाए। मेरे उसूल हैं कि अगर आप काम आपसे नहीं होता तो आप उसके 100 एक्सक्यूजेज दे सकते हो कि इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, तो उस पे उसकी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं रहती जो मेरे लिए काम करता है। कि आप कैसे कर सकते हो इस तरफ फोकस करो कि उसको क्या करना है, अगर नहीं हुआ तो बार बार ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, अलग चीज़ से ट्राई करो। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप जो भी काम करो आप उसको अपनी तरफ से बेस्ट करो और उस औरों की तरफ से भी बेस्ट करो। मैं धार्मिक हूँ, मैं सब धर्म का आदर करता हूँ, तो मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं चर्चेज में भी गया हूँ, मैं मस्जिद में भी गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये एक आस्था है, काफ़ी का साइंटिस्ट भी इसमें बिलीव करते हैं कि जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ उसको इस तरह से सोचते हैं कि धर्म इज़ दैट, कि देर इज़ सम पावर और सम थिंग इन द वर्ल्ड, कि कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम समझ नहीं सके हैं।
तो जैसे जैसे समझते हैं वो साइंस में बदलती जाती है, और जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो डिवाइन है। तो इस तरह से हम सोचते हैं। रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी दुनिया की सबसे बड़ी समाज सेवक व्यवस्था है। उसके 12 लाख मेंबर्स हैं 200 कंट्रीज़ में मेंबर हैं। तो जब भी मैं रोटरी के लिए काम करता हूँ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं रोटरी क्लब को ज्वाइन कर सकता हूँ, उनकी मीटिंग्स और उनकी जो लर्निंग्स हैं, जो वहाँ से सीखा मैं वहाँ की मीटिंग से सीखता हूँ वो यहाँ आके बताता हूँ, और उनको भी बताता हूँ कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो सबसे बड़ा काम उन्होंने पोलियो का किया है, मैंने पोलियो में काम किया है, मैंने एनवायरनमेंट में काम किया है, पीने के पानी में काम किया है, ट्री प्लांटेशन में काम किया है, एजुकेशन, इलिटरेसी और स्वच्छ भारत काफ़ी काम किया है। तो मैं रोटरी से करीब 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद रिटायर होने के बाद मैं कभी पब्लिक एनजीओज हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं, ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फोरम फेडरेशन, उसका भी मेंबर हूँ। वहाँ पे बहुत सारे दुनिया के लोग और भारत के जो लोग हैं वो डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे समीक्षा करते हैं और रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे चलाया जाए। सुबह तो मैं पहले तो मैं उठ के चाय पी के अखबार पढ़ता हूँ। मैं 3 अखबार पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं अपने सारे मेल्स वगैरह देखता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 2 कंपनीज़ में डायरेक्टर हूँ, 1 कंपनी में स्टार्टअप में इन्वेस्टर हूँ, एडवाइजरी बोर्ड में हूँ, बाकी मेरी खुद की कंसल्टिंग कंपनी भी है। तो उसके जो मेरे को क्वेरीज आती हैं या कोई मेरा जो काम होता है वो करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ। फिर दिन में मैं कभी ये ORF में चला जाता हूँ, कभी अनंता के मीटिंग्स में चले जाता हूँ, रोटरी की मीटिंग्स में चले जाता हूँ। हर थर्सडे को हमारी रोटरी की मीटिंग होती है अशोका होटल में, वहाँ जाता हूँ। और शाम को मैं लोधी गार्डन में जाता हूँ अपने सिनेमन के साथ एक चक्कर लगाने, और आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। लोधी गार्डन अच्छा है मेरे घूमने के लिए। फिर शाम को मेरी डॉटर और मेरे वाइफ आ जाती हैं। मैं वाइफ के बारे में मैंने बताया नहीं ज़्यादा, बट शी वो आ जाती हैं, तो फिर हम बैठ के फैमिली टाइम होता है थोड़ा, और फिर हम थोड़ा न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं शाम को। और अगर कोई कभी बाहर कोई फैमिली का इवेंट होता है तो वो ज़्यादा चले जाते हैं। आगे तो फिर यही करता रहूँगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सारे कामों को आगे बढ़ाना है, तो धीरे धीरे जितनी कैपेबिलिटी है उसी से कर रहा हूँ। इतना अब पैसे का नहीं है, इट इज़ मोर टू कीप बिजी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी में भाग लेना है और जो हम नॉलेज गैदर की है उसको किस तरह से बांटें और नई नॉलेज कैसे गैदर करें। बाकी हम बच्चों को मिलने भी जाते हैं साल में 2 बार ही, अमेरिका मेरा जो सन है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से भी सीख के आते हैं, जो यहाँ बच्चों से आजकल सीखते भी हैं क्योंकि नई नई चीज़ें आ गई हैं, बच्चों को ज़्यादा पता है। तो मेरा काफ़ी इंटरेक्शन है स्टार्टअप में, करीब 1000-2000 कंपनीज हैं नासकॉम में इट्स, तो वहाँ भी जाता हूँ, कोई सेमिनार्स में चले जाता हूँ, तो इस तरह से चलता रहता है। जीवन में सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरी माँ का ही रहा, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया, और पिताजी का इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि मेरे को ही ज़्यादा याद है, मेरे भाई बहनों को तो इतना ज़्यादा याद नहीं है। जब मैं 12 साल का था तो मेरे को कुछ उनका जो बच्चों से प्यार था वो याद है, कि वो बच्चों को कभी बोलते नहीं थे कि तुम ये करो या वो करो, जिसकी जो जिसको जो पसंद है वो करने देते थे। तो इस तरह से हम काफ़ी खुश थे। फिल्में देखने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, बट मैं देख लेता हूँ जो काफ़ी अच्छी फिल्में होती हैं तो मैं देख लेता हूँ। मेरे को ज़्यादा रियलिटी
बेस्ड पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो यू नो जैसे अभी इसकी भी आई थी जो ब्रिटिश टाइम पे जो सिख का वो उसका एक नेटफ्लिक्स में 13 एपिसोड का पूरा वो है, वो मैंने पूरा देखा था मूवी की जगह। फिर मैं सुभाष चंद्र बोस की देख रहा हूँ आजकल, नेटफ्लिक्स में आ रही है। तो मैं ज़्यादा रियलिटी बेस्ड और देखता हूँ, जो जो इश्यूज़ हैं, जैसे हमने देखी पैडमैन, देखी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखी, और कॉमेडी और वैसी और रियलिटी बेस्ड मेरे को ज़्यादा पसंद है। म्यूज़िक भी मेरे को ज़्यादा पसंद है, जो सॉफ्ट म्यूज़िक है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मैं सुन लेता हूँ कार में कभी। और मेरा जो बच्चे हैं वो भी थोड़े म्यूज़िकल हैं, मेरा जो सन है वो ड्रमर है, वो अपना हॉबी है उसकी, उसका ड्रम्स रूम है तो वहाँ के बजाता है, वो अपने सॉन्ग्स भी भेजता है। मेरी बेटी जो है वो डांस क्लास के लिए जाती है, उसके भी शोज होते हैं तो वो भी जाता हूँ, जो वो सर्जन है। मेरा एक जो स्टार्टअप है वो क्रिकेट के लिए है, उसमें गौतम गंभीर मेरा हमारा मैस्कॉट है, उसका नाम है फन गेज। वो एक्चुअली एक नई विचारधारा है विच आई मे ऑल्सो शेयर विद यू, कि मैंने देखा है कि जब इंडिया में और भारत में पढ़ने पे बहुत जोर है और सारा जो रिकॉर्ड है आपका पढ़ने का अवेलेबल है, आप क्लास वन में क्या सब्जेक्ट थे, क्या मार्क्स आए, आपको पता है, पर जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है बच्चा और जो स्पोर्ट्स एज ए करियर लेना चाहता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसको बुलाते हैं, अच्छा आप ट्रायल के लिए आ जाओ, स्कूल एडमिशन है ट्रायल के लिए आ जाओ, कॉलेज एडमिशन है ट्रायल के लिए आ जाओ, तो कोई उसको जब तक उसको कोई स्टेट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक वो उस लेवल पे नहीं रीच करता उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो हमने एक कंपनी प्रोडक्ट कंपनी शुरू की है फन गेज, जिसका स्पोर्ट्स बेस्ड ही है वो, तो सारे स्पोर्ट्स आप जो मर्जी खेल रहे हो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वुशु, वो सारे उसमें कर सकते हो और बच्चे अपना रिकॉर्ड उसमें स्कोर भी कर सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, उसको अपने माता पिता को भी भेज सकते हैं। राजनीति में मैं हमेशा वोट किया है और वोट किया है कि एंटी करप्शन हमेशा मेरा राय है, क्योंकि जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो करप्शन है। कि अगर आप चाहे, मैं नहीं बोलता कि पॉलिटिशियन करप्ट हो या कोई कार्यकर्ता करप्ट हो जिससे काम कराना है, वो सबसे मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि जो आपको तनख्वाह मिल रही है वो उस हिसाब से मिल रही है कि या तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उस तनख्वाह में आप अपना गुजारा कीजिए और जो आपको काम करना है वो कीजिए। जब मैंने रोटरी में भी एक साल काम किया तो रोटरी का कानून है मैंने पूरा फॉलो किया, जब प्रेसिडेंट को राइट है कि वो जो भी कर सकता है करे, मैंने नहीं किया। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम सारे पढ़ लिख जाएंगे और किसी से वैल्यू क्रिएट कर सकें, दूसरों के लिए कुछ ये कर सकें, जो कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसका यूज़फुलनेस होनी चाहिए समाज के लिए या किसी के लिए, तो आपको खाने पीने रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। फ्री में किसी चीज़ को लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि किसी को आप डोनेट कर दो या कुछ। तो हम भी रोटरी में भी ऐसे ही करते हैं कि हम पढ़ाने में खर्चा कर देंगे, बट उनको फ्री में कोई किसी को पैसे दे दिए, गिफ्ट दे दिए, वो नहीं। हम डैम बना देंगे, चेक डैम बना देंगे, स्कूल में एक कंप्यूटर लगा देंगे, लाइब्रेरी लगा देंगे, बच्चों को थोड़ा किताबें दे देंगे। तो हम इस तरह से हम चाहते हैं कि लोग समक्ष बने। मेरे को मोदी जी का सोच विचार अच्छा लगता है। उनका अभी एक इंटरव्यू आया था टाइम्स नाउ में, एक पूरा आई थिंक 1.5 घंटे का इंटरव्यू था, उनके घर में ही हुआ था, मैंने सुना वो। फिर एक और तो हर एक चीज़ का उनका जो थॉट प्रोसेस, जो उनका सोचने का विचार है, वो अपने से, पार्टी से बढ़ के देश की तरफ है, तो वो मेरे को अच्छा लगा। और उनका जो, मेरे को लगा कि ठीक कर रहे हैं,
ये नहीं है कि उनका जो भी सब कुछ किया वो सक्सेसफुल हुआ। भारत के भी ये लोगों का तरीका है कि वो कमियां ढूंढ के उसकी एडवांटेज लेते हैं। मैं ये बात, जैसे कोई चीज़, हर एक चीज़ आप लिख के नहीं बता सकते। युवा पीढ़ी जो आज की है वो काफ़ी समझदार है, हमारी तरह से, हमारे टाइम से ज़्यादा समझदार है। तो उनको तो यही, उनको पता है कि क्या करना है। तो पढ़ाई के अलावा वो काफ़ी अलग सोच रहे हैं। कुछ कल्चरल एरियाज़ में हैं, कोई सोशल डेवलपमेंट में हैं, कोई अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने तो बहुत ही अच्छा देखा है कि जो काम करना चाहते हैं और भारत को और भी बढ़ाना चाहते हैं विद न्यू स्टार्टअप्स, तो 20,000 स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। और उसमें से जो मैं देख रहा हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो 25 से 35 तक उम्र के ही हैं, तो वो युवा पीढ़ी है भारत की। और अगर आप किसी गांव में भी चले जाओ, आजकल हमने देखा है, जो हमारी एक पहले हमारे घर में जो हमारे हेल्प करती थी, वो हमारे साथ 10-15 साल काम किया, 2 बच्चों को पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूशन किया, घर में गांव में अपना मकान बना के अब वहाँ पे सेटल्ड है। तो उनको भी लगता है कि पढ़ाई इज़ अ मेन थिंग। मेरे को भी लगता है, पहले ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ये सारी सब एक ही तरह से या डॉक्टर या इंजीनियर बनना सोचते थे, अब वो काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये चेंज है। बाकी ये भी है कि जो दुनिया है वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से जा रही है। अभी आप देख रहे हो कि जैसे यूके है, इंग्लैंड है, वो बोल रहा है कि मेरे को यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तो उधर भी काफ़ी इकोनॉमिक डाउनटर्न, जैसे थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, कम इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अमेरिका बोल रहा है कि हमें अपने अपने जो उद्योगों को इनक्रेज करना है। चाइना बोल रहा है अपने उद्योगों को इनक्रेज करना है। तो जब ऐसे हो जाता है तो भारत को भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो पहले हमारे से सर्विसेज या कुछ लेती थी, सब दूसरे को देने के लिए तैयार हैं बट किसी से लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारा जो चैलेंज है, ये युवा पीढ़ी को भी फेस करना पड़ेगा।